कई इलाकों में धरना प्रदर्शन पर रोक। धरना प्रदर्शन की आड़ में बड़ी साजिश का अंदेशा। साउथ ईस्ट दिल्ली में एडवाइजरी जारी की गई है। अगले 60 दिनों तक धरना प्रदर्शन पर लगी रोक। जामिया यूनिवर्सिटी के आसपास विशेष तौर पर सख्ती। धारा 144 लागू। आदेश न मानने पर होगी बड़ी कार्रवाई। तो जामिया यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को दी है कड़ी चेतावनी कि धरना प्रदर्शन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो अब एडवाइजरी भी जारी की गई है। अगले 7 दिनों तक जामिया यूनिवर्सिटी के आसपास पर विशेष सख्ती बरती जा रही है। धारा 144 लागू है और अगर आपने इसका पालन नहीं किया तो फिर होगी आपके ऊपर सख्ती, यानी कि धरना प्रदर्शन करने वालों पर अब होगी सख्त कार्रवाई। ईस्ट दिल्ली में एडवाइजरी जारी की गई है अगले 60 दिनों तक के लिए, यानी कि 2 महीने तक के लिए फिलहाल ये एडवाइजरी अभी जारी की है। यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई, एक सख्त कार्रवाई। तो दिल्ली के कई इलाकों में धरना प्रदर्शन पर रोक लगी है, जिसमें ईस्ट दिल्ली में एडवाइजरी भी जारी की गई है, जहां पर धरना प्रदर्शन करने वालों पर अब होगी सख्त कार्रवाई। स्वाति हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। स्वाति, धरना प्रदर्शन करने वालों पर अब होगी सख्त वाली एडवाइजरी, किन किन इलाकों के लिए खास करके जारी की, जानना चाहेंगे स्वाति? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के कई इलाकों में धरना प्रदर्शन पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है कुछ दिनों तक, यानी अब धरना प्रदर्शन जो है कुछ दिनों तक नहीं किया जाएगा। चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वहां पर भी स्टूडेंट्स को कड़ी चेतावनी दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है और धारा 144 लागू कर दिया गया है और कह दिया गया है कि अगर आदेश ना माना गया तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। चूंकि बताया जा रहा है जिस तरह से देश भर के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी चल रही है, कहा जा रहा है कि धरना प्रदर्शन की आड़ में बड़ी साजिश रचने की तैयारी किया जा रहा है और इसी वजह से साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस ने जो है वो एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि अगले 60 दिनों तक जामिया यूनिवर्सिटी के आसपास विशेष तौर पर जो मशाल और कैंडल मार्च जैसे प्रदर्शन होते हैं वो नहीं किया जाए और उस पर रोक दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाया गया। यानी आलोक ये साफ है कि कहीं ना कहीं इनपुट दिल्ली पुलिस को मिली है और इसी वजह से ये रोक धरना प्रदर्शन पर लगाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति, इस तमाम सारी जानकारी के लिए।